दोस्तों बात करें वाले सुदृढ़ एनर्जी शेयर के बारे में, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि भाई सुदृढ़ एनर्जी बैक टू बैक यहाँ पे बाउंड्री हाई को ब्रेक कर रहा है एंड आज भी दोस्तों हमें नए हाई लगते हुए देखने को मिले। ऑलमोस्ट 84 रुपए के लेवल को ये ब्रेक कर चुका है एंड सबसे बड़ी अपडेट अभी के टाइम बता दूं मैं कि दोस्तों 100 एनएससी से आ रही है। जैसा कि आपको कल पता ही चल गया होगा कि कल शाम को कंपनी को भाई एएसएम के स्पष्ट में डाल दिया गया, तो अब ये हम देखेंगे क्या इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तेजी जो अभी के टाइम जारी है क्या ये धीमी पड़ेगी? क्या जो अभी के टाइम प्रकाश गाबा एंड स्वास्थ्य इन्वेस्टमेंट इनकी तरफ से 100 रुपए के लिए बोला जा रहा है कि अगर 92 का लेवल ब्रेक होता है तो आगे 100 रुपए के लिए हम रुकेंगे एंड इतना टारगेट हमें दिखेगा, तो क्या कंटिन्यू 100 रुपए के आसपास हमें जाता हुआ नजर आएगा या उससे पहले ही फॉल दिखा देगा? क्योंकि आज अगर आप देखोगे तो स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग नजर आई एंड मैंने कल ही आपको बता दिया था कि आरएसआई एक सर्किट और लगाएगा, उसके बाद हमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे दिखाएगा। तो ऑलमोस्ट अगर कहें तो भाई आज स्टॉक के अंदर बड़ा खेल होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ये वोलेटिलिटी नहीं दिखाई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे दोस्तों 19 करोड़ के आसपास शेयर में इस जो वोलेटिलिटी इसमें देखने को मिले। सुबह स्टॉक सर्किट के आसपास था, वहां से तेजी भी थी, मतलब एक बढ़िया तेजी थी, बट गिरावट स्टॉक ने क्रिएट करी एंड अगेन हमें स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पे दी है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ एमओ की तो भाई एमओ के अंदर 2.5 लाख के आसपास शेयर में बाइंग ऑर्डर देखने को मिल रहा है। देखो कभी भी किसी भी शेयर का ट्रेंड अगर पॉजिटिव रहता है तो लास्ट मोमेंट पे गिरावट हो चाहे तेजी हो, स्टॉक का एमओ हमेशा पॉजिटिव ही दिखता है कल के लिए। तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है कि आज स्टॉक ने पॉजिटिव क्लोजिंग करी है। तो अभी के टाइम दो बड़े अपडेट है, अपडेट्स को हम देखेंगे ना, ये भी देखेंगे क्या एएसएम में आने का कोई साइड इफेक्ट पड़ेगा, शेयर की तेजी रुकेगी या अगेन हमें एएसएम स्टेज 4 में डाल मतलब जाता हुआ नजर आएगा, कुछ ऐसी जो क्रिएटिविटी स्टॉक में हो रही है या नहीं हो रही है, तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो आज आपको बता दूं मैं कि आपको पता है कि भाई बैक टू बैक नया हाई लग रहे हैं, 85 रुपए के आसपास स्टॉक आ चुका है, जो कि हमारा टारगेट भी था। मैं पहले यहाँ पे 70-80 रुपए के लिए बोलता था, लोग बोलते थे कि भाई इतना नहीं जा सकता, अभी आप देख सकते हो लोग 100 रुपए के लिए बोल रहे हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि जितना बड़ा कंसोलिडेट उतनी ही बड़ी तेजी। अभी के टाइम में बात करूं आज की वॉल्यूम तो बहुत बड़ी वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुई है, ऑलमोस्ट यहाँ पे 1588 करोड़ का टोटल आज कारोबार नजर आया। इसमें से अगर आप देखोगे 50% शेयर ऐसे जो हमें डिलीवर होते हुए नजर आए। अगर हम बात करें अमाउंट की तो ऑलमोस्ट आप देख लो 1588 करोड़ का आधा कितना होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 2,750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट में आता हुआ नजर आए। 700-800 करोड़ रुपए के आसपास का इन्वेस्टमेंट आज हमें सुलोन एनर्जी के इस रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है। अब आप सोच लो इतना अगर इन्वेस्टमेंट 80 रुपए के लेवल पे अगर आ रहा है तो आगे कैसा मूवमेंट रहेगा। एंड आज मार्केट में भी एक अच्छी खासी रिकवरी, मतलब जो गिरावट थी वो थी, तो इस गिरावट की वजह से भी हमें एक चीज देखने को मिली है कि भाई शेयर पहले बहुत भाग चुका था, आरएसआई ओवरबोर्ड था, इस स्थिति में हमेशा हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। एंड करंटली स्टॉक की तेजी के साथ जो आरएसआई है जो पी रेशियो हमें ऑलमोस्ट यहाँ पे 118 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंट्राडे चार्ट में आपने देखा कि भाई स्टॉक में मॉर्निंग के अंदर ऑलमोस्ट अपर सर्किट के आसपास देखने को मिला, उसके बाद गिरावट फिर तेजी ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने तेजी को सस्टेंस किया, इसके बाद एकदम से टूटता हुआ नजर आया, फिर एकदम से उठा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी बिकवाली थी, यहाँ पे हमें बड़ी खरीदारी होती हुई नजर आई। अगर इस शेयर में रिटेल अगर बिकवाली, देखो रिटेल क्या होता है छोटा मोटा, देखो रिटेल का एक चीज मैंने देखा है, रिटेल दोस्तों 40% के लॉस के साथ शेयर में रुक जाएगा बट 40% के प्रॉफिट के साथ कभी नहीं रुकेगा। क्या करेगा वो कि बहुत हो चुका निकल जाते हैं, ऐसा लोग करते हैं। तो अभी के टाइम क्या हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, तो उनका माल कौन खरीद रहे हैं, बड़े प्लेयर। एफआई कंटिन्यू यहाँ पे शेयर खरीद रहा है, आज भी अगर देखोगे 50% की शानदार डिलीवरी हमें नजर आ। अपडेट पे अगर नजर डाले दोस्तों देखिए सोलर एनर्जी के शेयरों ने 74 में 52 सप्ताह की उच्चतम हाई को लगातार ब्रेक कर रहा है एंड 100 रुपए के लेवल के लिए रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आज भी अगर कंपनी का मार्केट के 1,12,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे इतना तक छू चुका है। एंड देखिए व्यापक बाजारों में गिरावट के बीच मंगलवार को सोलर एनर्जी के शेयरों ने 52 सप्ताह को ब्रेक किया, 5% की तेजी नजर आई, 84-40 के आसपास की नई ऊंचाई स्टॉक ने छुई, 1,12,000 करोड़ का मार्केट पा चुका है एंड स्टॉक में कंटिन्यू हमें वृद्धि देखने को मिल रही है, मतलब प्राइस कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों ये कि क्या 100 रुपए का आंकड़ा ये छू सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा आंकड़ा है 100 रुपए का स्टॉक के लिए। एंड यहाँ से अगर हम डाटा भी के टाइम समझे तो देखिए स्वास्थ्य के जो इन्वेस्टमेंट फंड है, मतलब इन्वेस्टमेंट है, उनकी तरफ से दोस्तों अभी के टाइम कहा गया कि शेयर हाल ही में एक फ्लेक जो यहाँ पे जो फॉर्मेशन है से बाहर आया है, पिछले 3 दिनों में लगभग 15% की एक अच्छी शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई है। समय सीमा पर शेयर मतलब उच्च ऊंचाई और यहाँ पे जो उच्च निम्न स्तर पर बना रहा है, तकनीकी दृष्टिकोण से फैला जो प्रतिरोध मतलब जो ब्रेकआउट 92 रुपए का बनेगा, अगर 92 का लेवल सक्सेसफुली ब्रेक कर देता तो फिर भाई हमें 100 इससे ऊपर 100 रुपए के मनोवैज्ञानिक निशान की ओर एक रैली की उम्मीद हम जता सकते हैं कि इस तरफ ही जाएगा। एंड अभी के टाइम देखा जाए तो 70 रुपए प्रतिरोध तो यहाँ पे समर्थन मतलब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है वो 70 रुपए, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो हमें 70 रुपए के आसपास फिर से देख सकता है एंड वहां से अगेन हमारे लिए जो थर्ड फेज की जो रैली है वो हमें यहाँ पे आती हुई नजर आ सकती है एंड उसके बाद ये डायरेक्ट हमें कहाँ दिखेगा ऑलमोस्ट 90 रुपए के लेवल के आसपास। तो अभी के टाइम देखो यही है कि कंटिन्यू हम यहाँ से होल्ड कर सकते हैं। मेरे को कई लोग पूछते हैं कि भाई सोलर एनर्जी को क्या लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्योंकि मैं एक चीज मानता हूँ अभी के टाइम की जिस प्रकार आप पी रेशो देखोगे पीवी रेशो देखोगे तो आपको ओवरबोर्ड स्थिति में दिखेगा, बट जो एफआईडी है अगर खरीद रहे ना भाई तो आगे मुझे लगता है कि स्टॉक की ओवरबोर्ड स्थिति जैसे कंपनी प्रॉफिटेबल होगी मतलब यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट करेगी वो आगे भाई तो प्रॉफिटेबल है बट आगे वो तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करके देगी तो जो पी रेशो वो हमें सस्टेंस होता हुआ नजर आएगा। रही बात एएसएम की कि भाई एएसएम स्टेज फर्स्ट में आ चुका है तो कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है, इसको डाला जाता है, इसके बाद स्टेज सेकंड में आता है, फिर फोर्थ में डाला जाता है, उसके बाद 90 दिन के लिए इसमें रहता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा इसका इफेक्ट पड़ेगा कि स्टॉक की जो अपर सर्किट करने
क्रिएट करने की जो तेजी है वो थोड़ी घटेगी क्योंकि रिटेल थोड़ा सा नेगेटिव होगा। बट भाई अगर कोई ऑपरेटर पीछे पड़ जाता तो फिर वो एसएम वगैरह कुछ भी नहीं देखता है। चाहे एस देखो एसएम फर्स्ट में टाइम लगता है, अभी थोड़ा टाइम रहेगा तब तक आराम से स्टॉक हमें 90 रुपये प्लस होता हुआ नजर आ सकता है। अभी के टाइम तगड़ा मूवमेंट बना है तो आगे अभी और तेजी रहेगी। देखिए दोस्तों डाटा बैग टाइम बता दूं मैं तो देखिए आरएसआई आज सस्टेंस होते हुए ऑलमोस्ट 80 के आसपास हमें देखने को मिला। पिछली बार आरएसआई 87 के आसपास गया था। अगर कहीं किस लेवल से क्या सर्किट लग सकता तो बिल्कुल सर्किट लग सकता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मैं चाहता हूँ कि आरएसआई अगेन हमें यहाँ पे 65-70 के आसपास नजर आए, वहां से फिर स्टॉक रैली क्रिएट करें, उसके बाद हमें नॉन स्टॉक 100 प्लस होता हुआ नजर आए। एंड डेफिनेटली यहाँ से ये चीजें होने वाली है क्योंकि हम अभी के टाइम देख रहे हैं कि स्टॉक की पहले की वॉल्यूम देखो, अभी की वॉल्यूम देखो, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ रही है। रिटेल प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, चार्ट के अकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट स्टॉक के टारगेट है यहाँ से वो हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे हमें 90 रुपये प्लस यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चार्ट के अकॉर्डिंग अगर टारगेट हम यहाँ पे देखें तो 95 रुपये के आसपास स्टॉक आगे हमें यहाँ पे टेल लेवल दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं वो थोड़ा वेट कर ले क्योंकि अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखाएगा क्योंकि आज स्टॉक ने मतलब फ्लैट क्लोजिंग दी है, कोई बड़ी रैली कोई बड़ी गिरावट नहीं है तो कल हमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है। बट अगर डाउन में मिलता है तो जो लोग प्रेस बाइंग करने का सोच रहे हैं वो अगर आरएसएम के 70 के नीचे मिलता है तो अगेन मौका उनके लिए बन सकता है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को भी ताकि कंटिन्यू अपडेट्स आपको